हेलो दोस्तों, मैं आपका उत्तम सर आप सभी को आपके ही अपने ही यूट्यूब चैनल एक स्मार्ट स्टडी क्लास 9-10 में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए मोशन और फोर्स के जो एमसीक्यू है, ठीक है, इसके 75 जो इसमें क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे उनके पार्ट वन लेकर आया हूं। चलिए आज का क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के आरंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। चलिए 5 सेकंड इसके लिए समय देता हूँ। तो वस्तु की आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसका हम लोग कहते हैं विस्थापन, ठीक है। और आपको बता दूँ कि विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है। क्या है? सदिश, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेक्टर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि है? तो दूरी आपका क्या है, अदिश है। चाल भी आपका क्या है, अदिश है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दिशा दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ऊर्जा भी क्या है, कार्य, और कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ से भी हो जाएगा सदिश राशि, किसको कहेंगे, विस्थापन ही मेरा क्या हो जाएगा, सदिश राशि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से असत्य है, ठीक है, इसमें जो गलत है उसको आपको सही बताना है। तो देखिए दूरी क्या होता है, दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो गया या उससे अधिक होता है। चाल भी क्या होता है, चाल विस्थापन से अधिक होता है या तो उसके बराबर होता है। और किसी वस्तु का विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। विस्थापन जो होता है ना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, या क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि विस्थापन शून्य हो सकता है कि नहीं, शून्य हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव तो होगा ही। इसमें जो आपका है, कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, उसके बराबर तो हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी के बराबर या उससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन चौथे पे आते हैं। कर गाड़ियों में लगा जो यंत्र होता है उसके द्वारा तय की गई दूरी को दिखाता है, यह कौन सा यंत्र होता है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर क्या होता है, आपको स्पीड को मेजर करता है, यह कौन सा स्पीड को मेजर करता है, इंटेनियस स्पीड को, ठीक है, तत्कालिक चाल को बताता है गाड़ी को। ओडोमीटर क्या करता है, ठीक है, यही क्या करता है, आपको गाड़ी चली गई दूरी को मापता है। इंडिकेटर क्या करता है, डायरेक्शन की दिशा को, मतलब दिशा की दिशा को बताता है। रेडिएटर क्या करता है, रेडिएटर के माध्यम से जो फ्यूल मिक्सचर को मिलाया जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन पे। करा निम्नलिखित में से कौन से सदिश राशि का उदाहरण है, तो देखिए आपका विस्थापन क्या है, सदिश है, वेग भी सदिश है, त्वरण भी क्या है, सदिश है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, इसमें इन सभी में क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है, इसलिए मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए चौथा क्वेश्चन है। वेग के असह मात्रक क्या होता है, तो वेग के असह मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पर का सिंबल देखिए, मीटर सेकंड लिखा हुआ है, मीटर सेकंड, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए सातवां क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि वस्तु के वेग का परिमाण समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वस्तु का त्वरण कैसा होगा। वस्तु का त्वरण अगर समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखिए कह रहा है यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे क्या लिया जाएगा, हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन में हम देखें, स्पीडोमीटर क्या मापता है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन के में ही आपको बता दिया गया है कि स्पीडोमीटर क्या मापता है, ठीक है। दूरी को कौन मापता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है, दूरी को मापता है ऑडोमीटर। और यहाँ जो चाल को मापता है, तो ऑप्शन में चाल कहीं पर नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो गति है उसी को मापता है क्या, स्पीडोमीटर।
औसत चाल तथा औसत वेग का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, देखिए आपको बता दिए पहले चाल क्या होता है। चाल चाल जो होता है वह वेग के बराबर होगा या उससे क्या होगा, बड़ा होगा, उससे क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ क्या करा, औसत चाल और औसत वेग, मतलब चाल क्या है, बड़ा है, मतलब चाल हमेशा क्या होगा, चाल हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, और यहाँ वेग क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ कि इसमें जो छोटा, अगर हम किसी भी चीज़ को छोटे चीज़ से अगर बड़ा चीज़ को भागा देंगे तो वह एक के एक से क्या होगा, बड़ा होगा। और एक स्थिति होगा जिसमें औसत चाल और औसत वेग भी बराबर हो सकता है, उस स्थिति में क्या होगा, एक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, इकाई के बराबर या उससे बड़ा, तो ऑप्शन वन होगी, ठीक है। क्वेश्चन 12 पे आते हैं। एक पहिया पर बिंदु ए है जो जमीन के संपर्क में है, जब वो पहिया आधा चक्कर लगा लेगा तब बिंदु का ए का विस्थापन ज्ञात करना है, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए पहिया है, ये क्या है, पहिया है, जब एक चक्कर मान लीजिए चक्कर लगा लेता है तब क्या हो जाएगा इसका, मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा चक्कर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका दूरी कितना होगा, पूरा एक चक्कर लगा लेता तो दूरी कितना होना चाहिए था, 2πr। अगर आधा चक्कर लगा रहा है तो कितना होना चाहिए, πr बाई टू, टू टू कट गया तो मेरा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, πr। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पता है रेडियस का काम करेगा तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे हम, पाइथागोरस का फॉर्मूला बैठेंगे और मेरा वैल्यू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। करा निम्नलिखित में से कौन सी गति का एक सही समीकरण है, देखिए गति का पहला समीकरण क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और दूसरा समीकरण होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बराबर टू ए एस। यहाँ से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, फर्स्ट ऑप्शन। गति का समीकरण लागू होता है केवल नियत त्वरण के लिए, केवल असमान त्वरण के लिए, नियत असमान त्वरण के लिए, इनमें से सभी। गति का समीकरण तभी लागू होगा जब क्या होगा, केवल त्वरण क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, ठीक है। गति का कौन सा समीकरण विस्थापन और समय को संबंध बताता है, तो देखिए पहला समीकरण आपको बता दे रहे हैं, पहला समीकरण क्या होता है, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ से जो हमको संबंध मिल रहा है, यहाँ से जो रिलेशनशिप मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है हमको, वी और टी का, वी और टी का मतलब वेग और समय। अगर आपको पूछा जाए कि वेग और समय को गति का कौन सा समीकरण बताता है तो क्या होगा आपका, पहला समीकरण, ठीक है। और दूसरा समीकरण जो होता है, दूसरा समीकरण में हमें क्या होता है, विस्थापन एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से क्या होता है, हमें विस्थापन और समय के संबंध को बताता है। तो देखिए यहाँ से कह रहा है विस्थापन और समय के संबंध को कौन सा समीकरण बताएगा, आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। स्पीडोमीटर क्या मापता है, स्पीडो क्या मापता है, इंटेनियस स्पीड को मापता है, ठीक है। इंटेनियस स्पीड को मतलब तत्कालिक जो चाल होता है उसी को स्पीडोमीटर मापता है। किसी वेग का नियत, किसी वस्तु का वेग नियत कहा जा सकता है जब क्या होना चाहिए, वेग का नियत तभी होगा जब परिमाण और दिशा दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, दैट मीन्स क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, तभी क्या होगा, किसी वस्तु का वेग नियत होगा। किसी पिन का विस्थापन समय के समानुपाती होता है तब क्या होता है, किसी पिन का जो वेग होता है विस्थापन वो समय के समानुपाती होता है, ठीक है। किसी वस्तु का जो पिंड हो, किसी पिंड का जो विस्थापन होता है, विस्थापन मतलब बता दिया आपको एक प्रकार का दूरी ही होगा, लेकिन कौन सा दूरी, शॉर्टेड सबसे छोटा दूरी, और समय के क्या है, समानुपाती, समय के क्या है, समानुपाती, तब क्या होगा, मतलब विस्थापन बढ़ रहा है तो विस्थापन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, विस्थापन बढ़ेगा तो
ठीक है, तोरण क्या होना चाहिए इसका, वेग वेग क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। करें दो अलग अलग द्रव्यमान के पत्थरों को निर्वात में एक ही ऊंचाई से गिराया जाता है तब क्या होगा। तो देखिए निर्वात का मतलब होता है जहाँ जहाँ पर कोई माध्यम नहीं है, जहाँ पर कोई माध्यम नहीं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात। ठीक है, तो अगर वहीं से अगर किसी वस्तु को गिराया जाए तो क्या होगा, दोनों वस्तु क्या होगा, एक साथ जमीन पर गिरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष का क्षेत्रफल हमें क्या बताता है। वेग और समय का ग्राफ का जो अक्ष का जो होता है, वेग और समय, ठीक है, अगर वेग और समय का ग्राफ अगर लिया जाए तो क्या करेगा, वेग समय ग्राफ से हमें क्या मिलता है, विस्थापन का परिमाण मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, विस्थापन। अगर चाल और समय कहा जाए तो वहाँ से क्या मिलता है हमें, दूरी मिलता है, वहाँ से क्या मिलता है, दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वेग समय का ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो क्या होना चाहिए, उस समय त्वरण क्या होगा, त्वरण एक जैसा होगा। वस्तु नियत वेग से चल रही है, सही बात है, वस्तु का त्वरण शून्य होगा, सही बात है। इससे ग्राफ से हमें विस्थापन का भी मान पता होगा, इसमें से क्या होगा, सभी होगा। इसमें त्वरण का क्या करना है, हमें विमीय सूत्र बताना है। तो त्वरण का ऐसा मात्र क्या होता है, मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर एक डिस्टेंस है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, टी का पावर माइनस टू। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। किसी पिंड का मंदन का अर्थ होता है, मंदन का अर्थ होता है क्या होता है, ठीक है, जिसको रिटार्डेशन पढ़ाया जाता है। तो किसी वस्तु का जो वेग होता है समय के साथ अगर घटता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, हिंदी से क्या